इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रस। तो इसमें मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे एक रूलर सपोर्ट है और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि 200 किलो न्यूटन है और इसका लेंथ दिया है 1 मीटर और इसका यहाँ पे दिया है कि एक्स वाई डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है कि मूवेबल है और यहाँ पे इसका एंगल दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री है एंड देन एरिया दिया है, ई दिया है एंड फाइंड करने बोला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्ट्रेसेस। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले तो नोड बना देंगे। सो यहाँ से एक फर्स्ट नोड, ये पॉइंट को बोल रहा हूँ एंड देन ये सेकंड नोड एंड देन ये पॉइंट थर्ड नोड, नेमिंग कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो लाइन है तो उसको मैं लाइन को एलिमेंट 1 बोल रहा हूँ, एलिमेंट 2 सेम, यहाँ पे ये जो है इसको मैं एलिमेंट 3 बोल रहा हूँ। सो तीन एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये हो गया नोड एलिमेंट और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लिया हमने मूव होगा। सो अभी यहाँ पे पहला पॉइंट ये जो नोड है तो इसमें मूव होगा, तो क्या होगा इसका एक्स और वाई में मूव होगा। सो इसको नेमिंग दे देता हूँ एक्स वन वाई वन, तो इसका क्या रहेगा सेम एक्स टू वाई टू एंड देन इसका क्या रहेगा एक्स थ्री वाई थ्री, सो एक्स थ्री वाई थ्री। सो ये नेमिंग दे दिया। सो अभी ये पॉइंट बोला है यहाँ से, सो इसको मैं एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि हमको इसका लेंथ पता नहीं है। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ये तो जीरो जीरो हो गया, तो ये जो लेंथ है ये पता नहीं हमको यह कहाँ तक है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लेंथ का यूज़ करेंगे, ये पूरा 1 है तो इसका हाफ क्या रहेगा, ये 0.5 क्योंकि ये 60 डिग्री वाला एंगल है पूरा 60 60 60, सो ट्राइंगल बिकम्स 180। तो इसका मैं हाफ ले रहा हूँ, सो ये हाफ ट्राइंगल यहाँ पे नीचे बना देता हूँ। सो ये 30 डिग्री एंड देन ये 0.5, ये वैल्यू पता है इसका ये साइड का, तो हमको ये साइड का पता नहीं है और ये साइड का हमको निकालना है। तो ये ट्राइंगल का मैंने साइन 30 लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अपोजिट है गिवन है, तो यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूँ। सो यहाँ पे साइन 30 क्या रहता है, हाफ इक्वल टू अपोजिट 0.5 अपॉन हाइपोटेन्यूस मेरे को निकालना है। सो ये उधर गया, ये उधर गया, सो एच इक्वल टू 1 मिल गया मेरे को। तो उसके बाद में यहाँ पे कॉस 30 निकालेंगे क्योंकि हमको ये वाला वैल्यू चाहिए बड़े वाले में, यहाँ पे इसका एक्स चाहिए किधर तक है करके। सो उसके लिए यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, एच इक्वल टू 1 है, एडजेसेंट निकालना है हमको और कॉस 30 रूट 3/2। सो इसका वैल्यू जो है वो हम कैलसी में डाल देंगे। सो इसका वैल्यू मिल गया 0.866। सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.867 जो कि इसका एक्स है यहाँ तक का और वाई हमको पता है 0.5 है ऊपर के लिए। तो अभी ये 0.0 रहेगा तो ये पॉजिटिव हुआ और इसके नीचे जो आएगा वाई तो वो नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला लेंथ है वो नेगेटिव में रहेगा 0.5 में। और ये तो आपको पता है एक्स, अभी निकाला मैंने ये वैल्यू, तो वैल्यूज निकाल दिया। तो अभी इसके बाद क्या करना है आपको, टेबल बनाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे। सो पहला कॉलम जो रहेगा वो एलिमेंट का रहेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ये सर ट्राइंगुलर है, यहाँ पे ये जो है एलिमेंट 1 है, सो 1 लिख दिया, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, 2 3, सो ये तीन हो गए एलिमेंट। फिर उसके बाद इसके नोड्स आते हैं। सो नोड्स क्या है, एलिमेंट 1 के लिए ये एक नोड है, ये एक नोड है 1 और 2। सो उसको मैंने आई जे नाम दिया है। सो आई जे क्या है, 1 2, तो वैसे ही सेकेंड वाले के लिए क्या है, 2 और 3 है, तो वैसे ही थर्ड वाले के लिए एलिमेंट के लिए नोड 3 और 1। सो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 1। सो पहले एलिमेंट लिखना है, फिर उसके बाद नोड्स आएगा उसका, फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, एक्स वाई एक्स वाई। तो पहले तो आई का ले लेता हूँ, फिर उसके बाद जे। सो पहले वाला जो आई का है इसका पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे 0 0 है, सो एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है एंड देन ये जे है ना इसका, तो इसका क्या है वैल्यूज एक्स और वाई का 0.867 एंड 0.5। तो ये लिख दिया पहले वाले एलिमेंट का। फिर सेकंड एलिमेंट का क्या है, एक्स और वाई, सो ये आई है और ये जे है सेकेंड एलिमेंट के लिए। सो यहाँ पे आई का जो है एक्स और वाई वो लिख देंगे 0.867 एंड 0.5 देन जे 0.867 माइनस 0.5। तो फिर थर्ड एलिमेंट का करेंगे। सो थर्ड एलिमेंट का नोड 3 1, सो ये आई रहेगा फिर ये जे रहेगा, तो उसका आई वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे 0.867 माइनस 0.5 एंड देन जे का क्या है 0 0। सो इतना हो गया। तो अभी इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, एल दैट इज़ लेंथ। सो इसका फॉर्मूला एक, सो एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जे
माइनस एक्स आई होल स्क्वायर प्लस वाई जे माइनस वाई आई होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो इसमें एक्स जे माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे माइनस वाई आई होल स्क्वायर, तो ये सब पुट करेंगे कैलसी में तो आपको एल का वैल्यू मिलेगा। सो वो होगा फर्स्ट एलिमेंट का, तो वैसे वापस पुट करना है ये वाला वैल्यूज फॉर सेकेंड एलिमेंट एंड देन सेम रिपीट फॉर थर्ड एलिमेंट। सो वैसे करेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा एल। तो मैंने ये कैलसी से निकाल दिया, फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट ये वाला कॉलम भी हो गया, फिर उसके बाद स्मॉल एल निकालना है। स्मॉल एल क्या रहेगा, एक्स जे माइनस एक्स आई अपॉन कैपिटल एल। सो ये जो एल का वैल्यू निकाला है ये हर एक एलिमेंट के लिए अलग रहेगा, तो अभी फिलहाल तो सेम दिख रहा है कैलकुलेट करके। सो उसके बाद ये नीचे आ जाएगा एल कैपिटल एल, और एक्स जे पहले एलिमेंट का क्या है ये है माइनस ये अपॉन दिस एंड देन सेम दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो वही करेंगे तो उसके बाद इसका वैल्यू मिल जाएगा एल का स्मॉल एल एंड देन स्मॉल एम वाई जे माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एल सेम। तो अभी इसमें वाई आएगा, वाई जे माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई दिस दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, तो उसका वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। सो एल हो गया, एम हो गया, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, एल जो मिल रहा है इसको स्क्वायर कर देंगे और इसका वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे एंड देन एम जो भी मिल रहा है उसको स्क्वायर कर देंगे और उसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। सो यहाँ पे इसका वैल्यूज मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। सो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया मैंने और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने कैलसी से, तो ये वैल्यू मिल गया मेरे को, तो मैंने यहाँ पे टेबल में लिख दिया। सो अभी एल से हमने एल स्क्वायर निकाल दिया, एम से एम स्क्वायर, तो उसके बाद लास्ट जो है एल एम है। सो एल इंटू एम जो है वो दिस इंटू दिस करेंगे, तो कैलसी में आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा दिस इंटू दिस दैट विल बी जीरो एंड देन दिस इंटू दिस, ये जो आएगा ये कैलसी में निकाल देता हूँ। सो ये हो गया आपका टेबल। सो टेबल में हमने पहले क्या किया, एलिमेंट लिखा। सो एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे वो लिख दिया 1, 2, 3, फिर उसके बाद इसके नोड्स एलिमेंट 1 के 1 और 2 है, एलिमेंट 2 के 2 और 3 एंड एलिमेंट 3 3 और 1। सो यहाँ पे आई और जे नेम दिया और ये लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे आता है एक्स आई वाई आई एक्स जे वाई जे, दैट इज़ ये नोड जो भी है उसका पॉइंट जो एक्स और वाई में जो है, तो वो यहाँ पे लिखा मैंने। फिर उसके बाद में एल निकाला, दैट इज़ लेंथ कैपिटल एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जे माइनस एक्स आई होल स्क्वायर प्लस वाई जे माइनस वाई आई होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने ये पुट किया वैल्यूज़, तो मेरे को ये जो मिला लेंथ फॉर एलिमेंट 1 लेंथ फॉर एलिमेंट 2 एंड लेंथ फॉर एलिमेंट 3। सो उसके बाद में स्मॉल एल निकाला, स्मॉल एल क्या है एक्स जे माइनस एक्स आई डिवाइड बाई एल वाई जे माइनस वाई आई डिवाइड बाई एल एम है। फिर उसके बाद में इसका स्क्वायर किया यहाँ पे लिखा, इसका स्क्वायर किया यहाँ पे लिखा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। सो ये टेबल हो गया मेरा, तो ये क्यों निकाला अभी, तो ये फॉर्मूले में आपको पुट करने के लिए काम आएगा, तो नीचे लिख देता हूँ फॉर्मूला। सो फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा आपका, ए ई अपॉन एल, ये जो एल है वो कैपिटल एल है, तो वो चेंज होते रहेगा हर एक इसके लिए, एलिमेंट 1 के लिए, एलिमेंट 2 के लिए, एलिमेंट 3 के लिए, फिलहाल तो ये सेम है 1। सो ये हो गया ए ई बाय एल। सो अभी इसमें वैल्यूज आपको ए के और ई के दिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो फॉर्मूला क्या है, ए ई बाय एल इंटू मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स क्या है आपका, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल एम, यहाँ पे भी एल एम। सो ऐसे याद रख लेंगे, यहाँ पे पूरा प्लस है और यहाँ पे भी पूरा प्लस आएगा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल एम एल एम, मैट्रिक्स हो गया। ये दो प्लस है और ये दो माइनस आएगा, सो माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एल एम, तो यहाँ पे भी माइनस, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एल एम, तो ये हो गया ए ई बाय एल एंड देन दिस मैट्रिक्स एंड देन यहाँ पे आता है आपका यू वी यू वी। सो अभी यू वी जो है तो वो डिपेंड करता है आपका एलिमेंट 1 के लिए ले रहे हैं। सो एलिमेंट 1 के लिए क्या है, नोड्स 1 और 2 है, सो उसके हिसाब से यहाँ पे ये 1 का रहेगा ये 2 का रहेगा। तो अगर एलिमेंट 2 के लिए ले रहे सो इसका नोड्स क्या रहेगा, 2 और 3, सो यहाँ पे 2 के लिए रहेगा यू वी एंड देन ये 3 के लिए रहेगा यू और वी। सो वैसे ही चेंज होते रहेगा और उसी यहाँ पे इक्वल टू के बाद पी वाई पी एक्स और पी वाई रहेगा, पी एक्स पी वाई, सो वो भी सेम रहेगा एक्स और वाई डायरेक्शन में इसके फोर्सेस जो है, सो वो नोड 1 के लिए नोड 2 के लिए।
सो वैसे ही चेंज होते रहेगा। फॉर एलिमेंट टू के लिए लेंगे तो यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पे थ्री हो जाएगा। सो उसके फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई, एंड देन ये रहेगा आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अलोंग एक्स एंड वाई। सो ये फॉर्मूला हो गया। सो अभी आपको ई दिया है 100 GPa। सो पहले तो किलो रहता है 10^3, देन मेगा रहता है 10^6, देन गीगा रहता है 10^9। सो अभी हमको यहाँ पे गीगा दिया है 10^9 है। सो जी का मतलब रहता है 10^9, एंड देन पास्कल का मतलब रहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे सब कन्वर्ट करेंगे mm में। सो mm में कन्वर्ट करना है तो 1 m = 1 m ऐड हो रहा है, सो इंटू 10^3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये ही साइड जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये 1 m का लिया है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2^3 = 6 हो गया और ये mm स्क्वायर में आ गया, तो ये साइड जाएगा तो क्या होगा, 10^-6 हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया। सो क्या होगा, E इक्वल टू 100 तो ऐसे रहेगा इंटू ये जी की जगह पे ये लिख दिया 10^9, क्योंकि ये वैल्यू पता है आपको, और पास्कल मैंने कन्वर्ट किया mm में, तो यहाँ पे 10^-6 आया। तो ये करेंगे तो क्या होगा, अभी ये 100 को मैं 10^2 लिख सकता हूँ इंटू, अभी यहाँ पे 9 - 6 क्या होगा, 3। तो अभी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे। सो E इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये कन्वर्ट हो गया E का वैल्यू mm में, तो अभी वैसे ही एरिया भी कन्वर्ट करेंगे। तो एरिया इक्वल टू 50 cm² दिया है, तो पहले क्या करेंगे, 1 m इक्वल टू कितना रहता है, 100 cm रहता है। सो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 10^2 cm, 1 m, इतना पता है। तो अभी यहाँ पे सेंटीमीटर से यहाँ पे मीटर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, 10^-2 m हो गया ये साइड आएगा। तो उसके बाद क्या है, 1 m इक्वल टू कितना रहता है mm में, 1 m ऐड करेंगे तो इंटू 10^3 हो जाता है। सो हमारे पास मीटर में इसको mm में करना है, तो क्या होगा, 10^-2 इंटू 10^3 mm, और इसके आगे जो भी है 50 एरिया। सो अभी यहाँ पे ये mm में हुआ, सो ये कन्वर्ट हो गया। सो बेस सेम है, पावर ऐड होगा, सो 3 - 2 = 1, और ये mm में है, तो इसको स्क्वायर में चाहिए ना, सो इसको स्क्वायर करेंगे और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, 100 mm² इंटू 50। सो दिस विल बी इक्वल टू 5000 mm². सो ये एरिया कन्वर्ट हो गया mm में। फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, हर एक इसके लिए एलिमेंट के लिए चेंज होगा, यहाँ पे L चेंज होगा, और यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू नोड, नोड 1, 2, सो 1 के लिए UV एंड देन 2 के लिए UV, सो वैसे रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट और एक फोर्सेस। एंड देन ये वाले वैल्यूज़ अपने निकाला है पहले, यहाँ पे मैंने लिखा था L² m² and Lm। तो इसका वैल्यू फॉर नोड यहाँ पे एलिमेंट 1 के लिए, एलिमेंट 2 के लिए एंड एलिमेंट 3 के लिए, सो उसके रिस्पेक्ट टू पुट करेंगे। एंड देन AE/L हमने कैलकुलेट किया, एरिया यहाँ पे लिख दिया 5000, ई हमने कैलकुलेट किया था कन्वर्ट करके, एंड देन यहाँ पे लेंथ 1 m दिया था क्वेश्चन में यहाँ पे, सो उसको मैंने कन्वर्ट किया मीटर से mm में, सो 1000 हो गया। तो अभी ये तो फिलहाल सेम है, क्योंकि यहाँ पे L जो भी था सब सेम था, 1, 1, 1 तीनों के लिए, तो वो सेम है, कैलकुलेट करके सेपरेट रख लेंगे। और यहाँ पे मैट्रिक्स पुट करेंगे, इसका वैल्यू सब अलग है। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट 1 का पुट कर दिया L² m² Lm, और UV क्या रहेगा आपका, नोड 1, नोड 2, एंड देन वैसे ही फोर्सेस PX1 का रहेगा, PY1 का रहेगा, PX2 का, PY2 का। सो फर्दर स्टेप भी हमें ऐसे ही करना है। फॉर एलिमेंट 2 वहाँ से मैंने L² m² और Lm का वैल्यूज़ निकाला, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स में पुट कर दिया, और ये AE/L सेम था, तो मैंने ये भी लिख दिया वैल्यूज़। अभी यहाँ पे फॉर UV एंड देन फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट और फोर्सेस के लिए यहाँ से मैं नोट्स देखूंगा। तो सेकंड एलिमेंट के लिए 2 और 3 है, सो यहाँ पे आएगा UV 2 2 3 3, एंड देन सेम 2 3। तो ये हो गया अपना सेकंड एलिमेंट के लिए। तो ये नोड है UV फॉर एक्स डायरेक्शन एंड फॉर वाई डायरेक्शन के लिए, तो UV हो गया सेकेंड और थर्ड के लिए। तो वैसे ही हम लोग एलिमेंट 3 के लिए देखेंगे। सो एलिमेंट 3 के लिए नोड है 3 और 1, सो उसका भी मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना दिया, और यहाँ पे L² m² Lm
वैल्यूज मैंने पुट डाउन कर दिया, फॉर्मूला में डाल दिया, और ये भी ए बाय एल भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। सो यहाँ पे 3 और 1 नोड है, सो यहाँ पे यू वी 3 का रहेगा पहले, फिर 1 का रहेगा, एंड फोर्सेस भी इसका एक्स वाई पहले 3 और यहाँ पे 1 के लिए। सो यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया अपना फोर्सेस का। सो फॉर 1, 2 एंड 3 तीनों एलिमेंट के यहाँ पे मैंने लिख दिया। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कन्वर्जन है सिंपली ये कट हो जाएगा 3 0 ऊपर और नीचे। सो बचता क्या है, ऊपर 5 बचेगा इंटू 10^5। सो 5 जो है अभी मैं उसको सब जगह पे सेम ही होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 बचेगा, ऊपर भी सेम होगा। तो सब में 5 जो है वो मैं अंदर लेके जाता हूँ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने। सो मल्टीप्लाई करके जो मिलता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो फॉर एलिमेंट 1 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये बन गया 10^5 बाहर ही है। सेम फॉर एलिमेंट 2, यहाँ पे सिंपली 1 था तो 5 अंदर गया, तो वो चेंजेस जो हुआ वो लिख दिया यहाँ पे। एंड देन फॉर एलिमेंट 3, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया मैट्रिक्स आपका। सो ये तीनों एलिमेंट के लिए लिख दिया मैंने। एंड देन साइड का जो रहता है वो सेम रहता है, मतलब डिफरेंट है वो अलग अलग इसके लिए, तो वो मैं एक साथ लिख देता हूँ बाद में। तो अभी ये हो गया, अभी इसके बाद क्या करेंगे आगे, ये जो डायग्राम था तो इसमें नोड 1, नोड 2, नोड 3 था, एंड देन इसमें यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या था, ये XY था ना आपका, तो वैल्यूज अलग है, लेकिन मैंने नॉर्मली ये दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कहाँ पे काम आएगा, तो ये यहाँ पे ऊपर नंबरिंग दे देंगे इसके लिए 1, 2, 3, 4। सो रोज और कॉलम के लिए काम आएगा आपको, एंड देन 1, 2, 3, 4। सो ये हो गया फर्स्ट के लिए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 है नोड 1 के लिए, एंड नोड 2 के लिए 3 और 4 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो यही वाले मैंने यहाँ पे पुट किया। सो ये हो गया रो और कॉलम। देन फॉर एलिमेंट 2, फॉर एलिमेंट 2 के लिए क्या करेंगे, ये एलिमेंट 2 है 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। सो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। एंड देन फॉर एलिमेंट 3, ये वाले के लिए 5, 6, 1, 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 2। सो अभी यहाँ पे नंबरिंग क्यों दिया है, क्योंकि ये रो और कॉलम के लिए आपके काम आएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मैट्रिक्स। सो जैसे पहले करते थे A11, A12, A13, A21, A22, A23, एंड देन ये, सो ऐसे 3×3 मैट्रिक्स के लिए आप करते थे ना। सो यही जो नंबरिंग्स है रो और कॉलम का डिनोट करता था कि यही प्लेस में ये वाला वैल्यू आएगा और ये प्लेस में ये वाला वैल्यू आएगा, तो उसके लिए मैंने ये नंबरिंग दिया है हर एक इसके लिए। तो अभी ये तीनों को रख के क्या करेंगे, ग्लोबल मैट्रिक्स बनाएंगे, तो एक मैट्रिक्स में ये तीनों आ जाएगा अंदर। सो वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका ग्लोबल मैट्रिक्स बना दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रोज एंड कॉलम्स में मैंने बना दिया। और यहाँ पे ये जो ग्रीन में है ये अपना एलिमेंट 1 है, और ये जो है तो ये एलिमेंट 2 है, और ये जो ब्लू में है ये एलिमेंट 3 है। सो इसके वैल्यूज मैंने पुट डाउन कर दिया एज पर यहाँ पे जो नंबरिंग दिया था मैंने, ऐसे बताया था। सो 1, 1, 1, 2, 1, 3, सो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सब देख के इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पुट डाउन कर दिया। सो अभी आगे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये मैट्रिक्स और एक बार छोटा हो जाएगा। सो इसको वापस एक बार सॉल्व कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो भी है प्लस माइनस करके यहाँ पे ये मैट्रिक्स बना दिया। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, रोज एंड कॉलम्स सेम है, सिर्फ मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। एंड देन आगे यहाँ पे होगा ये 10^5 तो पहले वैसे ही है, और ये यू वी जो है 1 फर्स्ट वाले के लिए एलिमेंट, 2 सेकेंड एलिमेंट, 3rd एलिमेंट। सो ये वैसे ही रहेगा जैसे फॉर्मूला में था। एंड देन यहाँ पे PX PY फॉर एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3। सो ये भी वैसे ही रहेगा। सो इतना कर दिया। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, वैल्यूज पुट आउट करना है। यहाँ पे ये जो UV है डिस्प्लेसमेंट अलोंग X एंड Y, तो वो आपको देखना है डायग्राम से। सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है UV अलोंग X एंड अलोंग Y, डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। सो इसके लिए यहाँ पे U और V 0 हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया U1 = V1 = 0। तो यहाँ पे प्लेसेस में सब 0 हो जाएगा यहाँ पे U और V। एंड देन वहाँ पे रोलर सपोर्ट था, तो यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है। सो अलोंग एक्स तो यहाँ पे होगा मोमेंट, एंड अलोंग वाई यहाँ पे कुछ होगा नहीं, सो यहाँ पे वी 0 रहेगा।
सो वो नोड थर्ड था, सो वी थ्री इक्वल टू जीरो, सो यहाँ पे वी थ्री क्या है यहाँ पे है, तो ये भी जीरो हो गया। एंड देन यहाँ पे फोर्सेस आपको दिया था, सो ये पॉइंट में सेकेंड नोड में फोर्स यहाँ पे एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री 200 किलो न्यूटन यहाँ पे मेंशन किया है। सो इसको रिजॉल्व कर देंगे टू कंपोनेंट्स में, सो एक्स एंड वाई में हो जाएगा। सो एक्स में क्या रहेगा 200 कॉस 30, एंड देन वाई में क्या होगा 200 साइन 30। सो वो वहाँ पे लिख देंगे, मैंने लिख दिया 200 कॉस 30 अलोंग एक्स सेकेंड नोड के लिए, एंड अलोंग वाई यहाँ पे माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये तो एक्स में है और वाई जो है वो नेगेटिव में नीचे की साइड है, तो इसलिए यहाँ पे वाई में नेगेटिव आया। सो ये दो हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे पी थ्री जो है एक्स है वो जीरो है रूलर सपोर्ट में यहाँ पे। सो ये आपको यहाँ पे पुट डाउन करना है इसके वैल्यूज। सो यहाँ पे मैंने कैल्सियस से वैल्यूज निकाल दिया, 200 कॉस 30 का ये वैल्यू है 173.2 किलो न्यूटन में है। सो किलो मतलब 10^3 रहता है, और यहाँ पे भी सेम इसका निकाला साइन 30 का, सो 100 आया किलो न्यूटन इंटू 10^3। सो उसको मैंने 10^3 है, सो ये पॉइंट मैंने और आगे ये किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधा पॉइंट में, दैट इज़ दिस इक्वल टू दिस इंटू 10^5 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे ये लिख दिया इसका वैल्यू बस। तो यहाँ पे 10^5 यहाँ पे अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी आगे 10^5 है। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू के दोनों साइड, सो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बचा जो है वो वैल्यूज आ जाएगा। सो पहले मैं ये दो वैल्यू सबको पता है इक्वल टू ए साइड, सो ये वाले दोनों रोज को मैं ले रहा हूँ ताकि कुछ मिल सकता है अपने को आगे। और यहाँ पे तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो है, और यहाँ पे इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है। सो बाकी के वैल्यूज निकालने हैं। सो पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो भी है फर्स्ट दिस इंटू दिस प्लस 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 दिस इंटू दिस इक्वल टू फर्स्ट वाला। सो ये हो गया इक्वेशन वन। सो वैसे हम लोग सब करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इसको इसके साथ, तो वैसे करके फिर सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर, ऐसे करके छः इक्वेशन मिलेगा। सो मैंने बीच वाला क्यों लिया, क्योंकि ये साइड मेरे को पता है वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ तो कुछ तो मिलेगा आपको। सो मैंने यहाँ पे किया ये वाले रो पे, ये दोनों का वैल्यू मिला है, तो यहाँ पे मैंने किया दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये तो ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो गए। सो यहाँ पे ये जो है थर्ड पार्ट दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड देन बाकी सब ज़ीरो है। सो इसके साथ यू टू प्लस इसके साथ वी टू इक्वल टू ये वाला जो वैल्यू है दैट इज़ 1.732। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर इसके बाद नीचे वाला किया। सो यहाँ पे ये दो तो ज़ीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बचा क्या है ये यू टू के साथ, ये वी टू के साथ, तो उसके बाद ये भी ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ पे क्या है इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे मेरे को दो इक्वेशन मिल गया, दो अननोन है यू टू और वी टू। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो आपको वैल्यूज मिलेगा यू टू और वी टू का। सो करते कैल्सियम में, सो यहाँ पे मैंने कैल्सियम में वैल्यूज डाल दिए। सो ये आ गया आपका यू टू दैट इज दिस एंड देन वी टू ये आ गया। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है mm में सब यूनिट्स, तो यहाँ पे यूनिट लिख देना। सो ये दो मिल गया, तो अभी क्या करेंगे ये दोनों का वैल्यूज आप यहाँ पे डालेंगे आगे वाले इक्वेशंस में, तो आपको आगे के वैल्यूज मिल जाएंगे, सो दैट इज़ फोर्सेस मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, पहले वाले इसमें जाते हैं। सो ये दो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। सो बचा क्या दिस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो वो इक्वेशन वन पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पे नीचे। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वेशन वन, लेकिन यहाँ पे मेरे पास यू है वी है और यू थ्री नहीं है मेरे पास, तो मैंने अभी तक निकाला नहीं है। सो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे देखते हैं, ये दो यूज़ कर लिया मैंने इक्वेशन, तो उसके बाद ये इक्वेशन है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये दो तो ज़ीरो ही है मल्टीप्लाई होके भी ज़ीरो रहेगा, फिर ये आएगा इसके साथ एंड देन ये भी ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। सो ये क्या है 3.75 वी थ्री इक्वल टू ज़ीरो, सो ये हो जाएगा आपका। सो यहाँ से आपको मिल गया यू थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये सर जाएगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा। सो यू थ्री का भी वैल्यू मिल गया है, तो अभी ये सब वैल्यूज पुट करूँगा मैं, यू टू वी टू और यहाँ पे यू थ्री यू वी और यू, ये सब पुट करके मेरे को पी वन एक्स मिलेगा। सो यहाँ पे लिख दिया, सो यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाल दिया। सो इसका वैल्यू मिल गया -1.732, तो ये फोर्स -1.732 ये न्यूटन में है। सो मैं अभी सेकेंड वाला भी निकालने का यहाँ पे, सो उसके लिए भी सेम करूँगा दिस इंटू दिस, तो वो तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये दोनों यू टू और वी टू आएगा मल्टीप्लाई में, तो उसका वैल्यूज मेरे पास है। फिर ये इसका वैल्यू ज़ीरो है,
तो ये वाला भी क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे लिख के। सो यहाँ पे इसका वैल्यूज़ मैंने डाल दिया एंड यहाँ पे इसका पहले नोड में वाई का जो मिल रहा है वो आया -0.99 एंड देन 5 न्यूटन। सो ये मिल गया इसका, तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये दो है, ये भी है। सो अभी लास्ट वाला करना पड़ेगा। सो लास्ट के लिए भी सेम, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। तो ये तो 0 0 0 हो गया। फिर इसके बाद बचा क्या, ये इसके साथ एंड देन ये इसके साथ, तो ये भी 0 है। सो सिर्फ ये बचेगा आपके पास। सो यहाँ पे मैंने कर दिया। सो अभी यहाँ पे मेरे को थर्ड वाले में भी मिल गया। सो P3 यहाँ पे 1.995 न्यूटन। सो ये सब मिल गया, ये फर्स्ट का है, ये थर्ड का है एंड देन अभी यहाँ पे सब मिल गया है। सो अभी क्या करेंगे, समीशन कर देंगे फोर्सेस अलोंग एक्स, समीशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई। सो अभी यहाँ पे एक्स के जो भी है x1 x2 x3, तो उसके वैल्यूज यहाँ पे डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा एंड देन वाई के जो भी है y1 y2 y3, उनके वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पे मैंने किया, सो x1 x2 x3 डाल दिया। सो ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया और आपको मिल गया 0 है। और यहाँ पे भी सेम, इसको आप लोग डालेंगे कैल्सियम में तो ये 0 ही मिलेगा लास्ट में। सो कैंसिल आउट हो गया, 0 मिल गया आपको फोर्सेस। सो यहाँ पे रिएक्शन सब बैलेंस है। फिर उसके बाद में करना है आपको स्ट्रेसेस। सो स्ट्रेस निकालने के लिए क्या रहता है, स्ट्रेस इक्वल टू ई अपॉन एल, फॉर्मूला इसका -L -M L M, और यहाँ पे आएगा आपका U V U V। सो फॉर एलिमेंट वन के लिए ले रहे हैं, सो उसके हिसाब से ये तो सेम है EL। फिर यहाँ पे इसका एलिमेंट वन के वैल्यूज आ जाएंगे और यहाँ पे नोड वन नोड टू, तो उसका जो भी है वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको स्ट्रेस वन मिलेगा। सो E अपॉन L कैलकुलेट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे को जो भी वैल्यूज मिले वो डाल दिया। सो अभी ये एंड ये यहाँ पे क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। सो ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, ये दो तो 0 है, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.867 इंटू 0.6917 एंड देन प्लस यहाँ पे जो है 0.5 इंटू -0.399 ये ब्रैकेट में रहेगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको स्ट्रेस वन मिल जाएगा। सो यहाँ पे कैलसी से मेरे को मिल गया 40। सो 40 मिल गया मेरे को स्ट्रेस न्यूटन पर mm². सो इसका यूनिट लिख देना। सो स्ट्रेस वन मिल गया, तो वैसे हमको स्ट्रेस टू और स्ट्रेस थ्री निकालना। सो यहाँ पे सिंपली मैंने सेम फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे ये जो L है कैपिटल L, सो वो हर एक एलिमेंट के लिए अलग था, लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल ये क्वेश्चन में सेम है तो वो डाल दिया मैंने mm में सब। फिर ये जो है वो टेबल से मैंने उठाया वैल्यूज एंड देन UV UV। सो ये सेकेंड वाले के लिए है, सो 2 3, ये 2 का है, ये 3 का है। सो यहाँ पे इसके वैल्यूज मैंने निकाले हुए हैं UV, सो उसका पुट कर दिया। फिर दिस इंटू दिस, ये तो 0 हो गया, प्लस दिस इंटू दिस, सो यहाँ पे ब्रैकेट में -0.399 रहेगा इंटू दिस। सो उसको मैंने कैल्सियम में डाल दिया वैल्यूज। सो यहाँ पे मिल गया मेरे को, सो -40 मैं लिख देता हूँ न्यूटन पर mm². सो अभी ये जो है टेंसाइल और कंप्रेस रहता है, सो माइनस में है तो कंप्रेस रहता है, सो यहाँ पे लिख देना, और प्लस में रहेगा तो टेंसाइल। सो अभी हो गया स्ट्रेस टू एंड देन स्ट्रेस थ्री निकालना है, सेम फॉर्मूला पुट। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड और वन रहेगा नोड फॉर स्ट्रेस थ्री, थ्री और वन, U3 V3 U1 V1। सो इसके वैल्यू 0 है, तो ये भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सब करूँगा, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा ये पूरा। सो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 रहेगा, तो इसका स्ट्रेस 0 है न्यूटन पर mm². सो ये हो गया, तीनों स्ट्रेस निकाल दिया। सो इतना ही था। सो इसके अलावा अगर बोला है तो स्ट्रेन निकालने बोलेंगे। सो स्ट्रेन क्या रहता है, स्ट्रेन को डिनोट करना है E = stress upon E। सो ये वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे 10^5 है क्वेश्चन में, और यहाँ पे ये तो अभी निकाला अपने हर एक एलिमेंट के लिए। सो 1 2 3 वो पुट करेंगे, तो उसके हिसाब से स्ट्रेन 1 स्ट्रेन 2 एंड स्ट्रेन 3 वैल्यूज निकलेगा आपका। सो इसमें इतना ही था मेन, तो ये टेबल बनाना है आपको फॉर्मेट, फिर यहाँ से ये वैल्यूज पुट करना है आगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इसका भी लिख देता हूँ। सो यहाँ पे ये -40 था σ2 एंड देन ये 10^5 ये ऊपर जाएगा, 10^-5 हो जाएगा। सो इसका वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे तो ये 0 था, तो यहाँ पे स्ट्रेन 0 है, यहाँ पे -40 × 10^-5 एंड यहाँ पे 40 × 10^-5।
सो ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल दिया, एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स भी निकाला था। सो इसमें इतना ही है, दैट्स ऑल। थैंक।